हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैस्टी हैं। आज मैं आपके साथ फंगीसाइड पे बात करने वाली हूँ कि एडेनियम प्लांट में हमको फंगीसाइड क्यों ज़रूरी है और किस क्वांटिटी में दें, किस कितने कितने टाइम के गैप में दें। तो वही सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, हमारी इधर सारी सीडलिंग है और सीडलिंग में भी हमको देना है और साथ में हमें सारे प्लांट्स में भी देना है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं दिया इनमें फंगीसाइड, तो अभी बहुत ही ज़रूरी है ताकि इनमें अभी धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है तो उस वजह से भी फंगस लग सकता है, और हम धूप की वजह से पानी भी रेगुलर इसको दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी फंगस लग सकता है प्लांट में। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो बहुत ही, अगर आपने एडेनियम प्लांट लगा के रखे हैं तो आपको फंगीसाइड ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हेल्प मिलती है फंगीसाइड से। तो प्लांट को रूट रॉट से, स्टेम रॉट से बचाता है और कोई भी फंगस नहीं लगने देता प्लांट में, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में, मतलब अच्छा हेल्दी ग्रोथ में। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमको किस क्वांटिटी में उसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 लीटर के लगभग पानी लिया हुआ है और 2 लीटर में लगभग 1 चम्मच, ये बड़ा चम्मच है, इतना बड़ा सा चम्मच है, तो 2 लीटर पानी में हम 1 चम्मच इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा लिक्विड तैयार हो गया। ये सांप का फंगीसाइड है, मैं इसी का यूज करती हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हैं, बेबिस्टीन ले सकते हैं, मैंकोचिप ले सकते हैं, सांप ले सकते हैं, या फिर कोई सा भी ले सकते हैं। बायो ऑर्गेनिक फंगीसाइड आप अगर यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको फिर अपने प्लांट में केमिकल वगैरह नहीं देना है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा आप यूज़ कर रहे हैं, दे सकते हैं आप उसको भी, लेकिन उसके बाद आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर केमिकल फंगीसाइड मत यूज़ करिएगा, तभी वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी आपको यूज़ करना है इसको, इस तरह से लिक्विड हमने बना लिया और हमारा ये फंगीसाइड बन करके तैयार हो गया है। तो हमको देना है इसको लगभग 15 दिन और 20 दिन के गैप में देना है। तो आप भी इस टाइम पे अपने सारे एडेनियम प्लांट में दीजिए ताकि आपके प्लांट देखिए हेल्दी रहें और सुंदर अच्छी ग्रोथ इनकी हो और उसके बाद ये फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छे करें। तो फंगीसाइड देना बहुत ही ज़रूरी है, हर 15 दिन 20 दिन में आप ज़रूर अपने प्लांट पे इनको देते रहिए ताकि आपके प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहें। तो चलिए हम दे देते हैं इसको। देखिए, जो बिग प्लांट है उनमें भी देना है, जो छोटे प्लांट हैं उनमें भी देना है। इसकी इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हो गई हैं कि साइड से भी जगह नहीं है। देखते हैं, यहाँ से डाल देते हैं इसमें। तो आपको हर प्लांट में देना है, सीडलिंग में भी देना है और सभी प्लांट में देना है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको दे देती हूँ। सीडलिंग से लेकर के मैं सारे ही प्लांट में इसको देने वाली हूँ अपने। तो इतने में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा से फिर से बोल लूँगी। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, इसको हम डाल देते प्लांट में। तो इस तरह से लेना है इस पानी को और अपने प्लांट में डाल देना है। देखिए, जिनकी भी मिट्टी सूखी हो सब में आप दे दीजिए, जिनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो उसमें आप चाहे तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट दिन दूसरे दिन दे दीजिए उसको। तो इस तरह से हमको दे देना है सभी प्लांट में। तो ये देखिए, इस तरह से हमको लेना है और इसी तरह से हम अपने सीडलिंग में पहले डाल देते हैं। कल मैंने आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देकर दिखाया था, आज देखिए हम इसमें फंगीसाइड अप्लाई कर रहे हैं। तो फंगीसाइड आपको इस तरह से देते रहना है। आप इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं, शाम के समय स्प्रे करिए। मैं अभी सुबह के टाइम दे रही हूँ तो मैं रूट्स में दे रही हूँ, बस इस ऊपर से भी दे दूँगी तो कोई दिक्कत ऐसी होने वाली नहीं है। ये देखिए, थोड़ा 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 सभी प्लांट में दे देना है। प्लांट को बहुत ही हेल्प करता है एडेनियम प्लांट के लिए फंगीसाइड, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। तो अगर आपके प्लांट हेल्दी रखना चाहते हैं आप उनको, तो फंगीसाइड ज़रूर दीजिए अपने प्लांट को। ये देखिए, इस तरह से तो सारी सीडलिंग में हम डाल देंगे। कुछ सीडलिंग मेरी ख़राब भी हो रही हैं, एक दो, ज़्यादा तो नहीं हो रही, एक दो कहीं कहीं पर ख़राब हो गई। ये देखिए, जैसे ये मर रही है। तो इसी तरह से हमारे बड़े प्लांट हैं जो, इनमें भी हम डाल देंगे इसको। ये देखिए, इस तरह से
ये कल मैंने यहाँ पर फ्लावर तोड़ के रख दिए हैं। ये फ्लावर आप ऐसे मत रखिए, इनको हटा दीजिएगा, मैं भी हटा दूँगी अभी। और जितने भी हमारे प्लांट हैं और जिनकी मिट्टी ड्राई है उनको तो बिल्कुल अच्छे से पूरा गमला भर के दे देना है, और जिनकी मिट्टी गीली है उनमें आप थोड़ा थोड़ा रूट्स के पास डाल दीजिए। देखिए अभी गिर रहा है बाहर, तो इसी तरह से देना है। और आपको टाइम टाइम से देते रहना है, हर 15 दिन में या 20 दिन में आप फंगिसाइड ज़रूर दीजिए अपने प्लांट को, ताकि आपके प्लांट हेल्दी रहें, कोई फंगस वगैरह ना लगे। क्योंकि फंगस की वजह से ही हमारा प्लांट जब भी कभी ख़राब होता है ना, तो फंगस की वजह से ही ख़राब होता है। ओवर वाटरिंग हो जाती है, कभी कभी अंडर वाटरिंग से भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो अंडर वाटरिंग से ख़राब हुए प्लांट को तो जल्दी बचाया जा सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा फंगस और ज़्यादा पानी की वजह से प्लांट ख़राब हो गए तो बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज़ें आपको करनी है, बस इसी तरह से फंगिसाइड देना है। नीचे का थोड़ा सा गाढ़ा सा है, इसमें थोड़ा सा और पानी मिला लेंगे, नीचे जम गया थे। जितने भी प्लांट है सभी को आपको दे देना है इस टाइम पे, फंगस ना लगे ताकि। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। बस मेरा बताने का मकसद यही है कि आपके प्लांट ख़राब ना हो, ताकि जो चीज़ें मैं अपने प्लांट को देती रहती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो आप लोग भी चाहे तो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे, जिससे आपके प्लांट हेल्दी रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। सारे प्लांट अभी मेरे बचे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे प्लांट मेरे बचे हैं, इन सबको मैं दे दूँगी। तो आप भी ज़रूर दीजिएगा, और सुबह के टाइम दीजिए या तो फिर शाम को दीजिए। आप शाम को एकदम जैसे कि दिन डूब जाता है, बिल्कुल थोड़ी ठंडक आ जाती है, तब आप दीजिए। दोपहर में मत दीजिएगा, और दोपहर में तो पानी भी नहीं देना चाहिए, इसीलिए बोल रही हूँ कि दोपहर में मत दीजिएगा। शाम के टाइम देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।